छात्रों में खेल भावना को बढ़ावा देने और छात्रों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शिमला के उपनगर विकास नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हो गया। वहीं इस खेलकूद प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। वहीं जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य लेखराज ठाकुर ने बताया कि 8 अक्टूबर को खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था और 10 अक्टूबर को इसका समापन हो गया। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्य दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया, जिसमें योगासन, टेबल टेनिस, शतरंज, 3 विधाओं के टूर्नामेंट आयोजित किए गए। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ी अब अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह संपन्न हुआ, इसमें 5 राज्यों के जो खिलाड़ी भैया बहन थे, 3 विधाओं के, उसमें योगासन, शतरंज और टेबल टेनिस, तो इनका ही मिलकर के कार्यक्रम था जिसको क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था और इसमें 317 भैया बहनों ने हिस्सा लिया और इसमें 22 जो हमारे निर्णायक वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, तो उनके सभी के प्रयासों से ये कार्यक्रम सफलता की तरफ बढ़ा और अभी सफलतापूर्वक सफल हुआ।